बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं प्रस्तुतकर्ता नरेंद्र पटेल, शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल दुलहरा, अनूपपुर मध्य प्रदेश। वाक्य विचार। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, हम वाक्य की परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा: ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। इसमें दो तीन बातें यहाँ पर सामने आ रही हमारे। ऐसा सार्थक शब्द समूह, शब्दों का समूह हो सार्थक हो, जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो और वो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर रहा हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि वाक्य में दो तीन बातें होनी आवश्यक हैं। एक तो सार्थक शब्द समूह, दूसरा व्यवस्थित हो और तीसरा पूरा आशय प्रकट करता हो। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वाक्य के प्रकार। मूल रूप से वाक्य के दो प्रकार बतलाए गए हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार को यहाँ पर समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो चलें हम पहले साधारण वाक्य को समझ लें। इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर दिया है: एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। इनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, इसमें एक ही भाव को प्रकट कर रहा है और साधारण वाक्य है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है, इसलिए इसको हम साधारण वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रचना के आधार पर वाक्य है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं। यह सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में भ्रम की स्थिति रहती है, इसलिए पुनः एक बार इसे समझें। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष वाक्य आश्रित होते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है: जिसे आवश्यकता हो वह भोजन मांग ले। इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और शेष आश्रित वाक्य है, इसलिए इसको हम मिश्र वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार और सबसे महत्वपूर्ण है यह संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा हमने यहाँ पर दिया है: संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। इसमें एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये वाक्य संयोजक शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है: राम सत्य बोलता है पर रमेश झूठा है और चोरी करता है। ये संयोजक शब्द है और इसके द्वारा ये इसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार हैं: पहला साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब हम आगे चलते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ प्रकार होते हैं। इसको प्रत्येक प्रकार को यहाँ पर उसकी परिभाषा हम समझेंगे और उदाहरण के द्वारा भी उसको समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकारों में विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा है:
जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। एक बार पुनः इसको हम दोहरा रहे हैं, इसकी परिभाषा विधानवाचक वाक्य की। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उदाहरण जैसे सीता कोतमा में रहती है, ये विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पर लिखा गया है, मोटे अक्षरों में देख रहे हैं आप, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में ना या निषेध का भाव होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता कोतमा में नहीं रहती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं शब्द आया है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य की श्रेणी में आएगा। तीसरा अर्थ के आधार पर तीसरा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य। ये देख रहे हैं आप प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और इसका उदाहरण हमने लिया है, जैसे क्या सीता कोतमा में नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि वाक्य के समाप्ति पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे आवश्यक रूप से, अन्यथा वह प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहलाएगा। तो बच्चों, जैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य समाप्त हो, उसके अंत में ये चिन्ह का प्रयोग हमें आवश्यक रूप से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अर्थ के आधार पर चौथा ये वाक्य का प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा आदेश दिया गया हो। तो जिन वाक्यों में आज्ञा देने की बात का बोध हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता कोतमा में रहो, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है सीता को कि सीता कोतमा में रहो, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य होगा। अब आगे चलते हैं। पांचवा हमारा है विस्मयादिवाचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य का बोध हो, उसको हम विस्मयादि वाचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। इसकी परिभाषा पर आइए विचार करते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा के भाव प्रकट हों, जैसे अरे सीता कोतमा में रहती है, यहाँ आश्चर्य की बात हम देख रहे हैं और इसके लिए आश्चर्यबोधक चिन्ह भी यहाँ पर हमने लगाया है, इसलिए यह विस्मयादि वाचक वाक्य होगा। इसको आश्चर्यबोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं, और इसको भी चाहे विस्मयादि वाचक बोल दें या आश्चर्यवाचक वाक्य बोल दें, एक ही बात है। चलें आगे बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर छठवां हमारा वाक्य का प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। छठवां इच्छावाचक वाक्य है, इसकी परिभाषा, जहाँ वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने का भाव हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि सीता कोतमा में रहे। यहाँ इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सीता कोतमा में रहे, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य होगा। अगला है सातवां नंबर संदेहवाचक वाक्य। जहां संदेह हो, परिभाषा देखें, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो, जैसे शायद सीता कोतमा में रहे, अथवा इसको इस रूप में भी देख सकते हैं, संभवतः सीता कोतमा में रहे। तो दोनों तरह से उदाहरण ले सकते हैं, संभवतः सीता कोतमा में रहे अथवा शायद सीता कोतमा में रहे, ये हो गया। और अंतिम और आठवां जो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है संकेत वाचक वाक्य। परिभाषा देखें, जिन वाक्यों में एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, यदि
सीता गोदमा में रहना चाहती है तो रह सकती है, ये उदाहरण है संकेतवाचक वाक्य का। इस तरह से यहाँ पर हमारा वाक्य का, वाक्य के जो प्रकार हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हमने देखा। अब आइए आगे देखते हैं वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे स्थान सभी विद्यार्थियों को अपने नोटबुक में देना है, क्योंकि परीक्षा में वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन का प्रश्न ही आता है। तो चलिए इस पर हम पुनः विचार करते हैं। वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण से तात्पर्य एक वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने से है। जैसे विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या इच्छावाचक वाक्य में बदलना हो। तो आगे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि कैसे वाक्य का परिवर्तन किया जाता है। वाक्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण यहाँ पर हम दे रहे हैं, आइए उन उदाहरणों पर हम संक्षिप्त में विचार करते हैं। पहला हमने लिया है, श्याम घर में सबसे मोटा है। श्याम घर में सबसे मोटा है, इसको निषेधवाचक वाक्य के रूप में हमें परिवर्तित करना है बिना अर्थ बदले। ये महत्वपूर्ण बात है, देखिए कैसा कैसे बदला गया है। घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, नकारात्मक वाक्य भी हो गया और अर्थ नहीं बदला गया इसका। अगला उदाहरण हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण हमने लिया है, दिल्ली देश में सबसे बड़ा नगर है। ये है, दिल्ली देश में सबसे बड़ा नगर है, निषेधवाचक वाक्य के रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो देखिए कैसे परिवर्तित किया गया है, देश में दिल्ली से बड़ा कोई नगर नहीं है। बहुत सुंदर। अगला देखें, श्याम धनी व्यक्ति है, इसको भी निषेधवाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित करना है। तो इसको हमने परिवर्तित किया है, श्याम गरीब व्यक्ति नहीं है। चलिए ये कुछ उदाहरण यहाँ पर हमने देखा। आगे और कुछ उदाहरण हमने लिया है परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके समझने के दृष्टिकोण से। तो आइए चलते हैं, चौथा उदाहरण हमने लिया है, गुरु का सम्मान करना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य के रूप में इसे हम परिवर्तित करेंगे। क्या कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, तो इसको हमने परिवर्तित किया है आज्ञावाचक वाक्य के रूप में, गुरु का सम्मान करो, यहाँ पर हो गया। अगला उदाहरण, मोहन दिल्ली में रहता है, इसको प्रश्नवाचक और निषेधवाचक दोनों रूप में परिवर्तित करना है। यहाँ पर देख रहे हैं निर्देश दिया गया है प्रश्नवाचक और अब निषेधवाचक। तो कैसे इस वाक्य को हमने दोनों रूपों में परिवर्तित किया है, आइए देखें। क्या मोहन दिल्ली में नहीं रहता है, निषेधवाचक नहीं आ गया, क्या शब्द आया है इसलिए प्रश्नवाचक भी हो गया। तो प्रश्नवाचक और निषेधवाचक वाक्य रूप में हमने यहाँ पर इस वाक्य को परिवर्तित किया है। और चूंकि यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में है इसलिए यहाँ पर चिन्ह को भी हमने लगाया है, जो आपको सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। छठा उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है, बादल समय पर पानी नहीं देते हैं, विधानवाचक वाक्य के रूप में इसको परिवर्तित करना है। बादल समय पर पानी नहीं देते, अभी ये निषेधवाचक वाक्य के रूप में है, चूंकि नहीं शब्द यहाँ पर लगा है इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। अब इसको हम विधानवाचक वाक्य के रूप में यहाँ पर परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा, बादल समय पर पानी देते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। सातवां नंबर उदाहरण हमने लिया है, तुम्हें अपना गुरु गृह कार्य करना चाहिए। सातवां नंबर, तुम्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य के रूप में इस वाक्य को परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर होगा, तुम अपना गृह कार्य करो, ये आज्ञावाचक वाक्य के रूप में यहाँ पर परिवर्तन किया गया। अगला उदाहरण है, सीता गाना गाती है, विस्मयादि वाचक वाक्य, इसका उत्तर होगा, अरे सीता गाना गाती है,
इस तरह से ये चिन्ह भी विस्मयादि सूचक चिन्ह है, विस्मयादि वाचक चिन्ह का भी हमने उपयोग किया है और वाक्य को परिवर्तित भी कर लिया। आइए आगे देखते हैं। अब इतना सब मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इस बात को, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, रचना और अर्थ के आधार पर समझ गए होंगे, वाक्य रूपांतरण भी समझ गए होंगे। गृहकार के लिए कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि कल जब आप अगले सत्र में प्रवेश करेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आप सहज और सरल तरीके से हल कर लेंगे। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। ये प्रश्न है, परीक्षा में ऐसा ही आता है लगभग। पहला प्रश्न है, वह आस्तिक है, इसको निषेधवाचक वाक्य रूप में आपको परिवर्तित करना है। दूसरा प्रश्न है, अशोक रामनगर में रहता है, विस्मयादिवाचक वाक्य रूप में परिवर्तित करना है। तीसरा, गृह कार्य के रूप में हमने लिया है, सीता गाना गाती है, विस्मयादिवाचक वाक्य रूप में इसे आप परिवर्तित करेंगे। अगला गृहकार का प्रश्न है, दीपक बाजार जा रहा है, इसको प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में परिवर्तित करना होगा आपको। अगला गृहकार, गणित का प्रश्न कठिन है, निषेधवाचक वाक्य के रूप में इसको परिवर्तित करना है। और अगला है, तुम्हें अपना गृहकार करना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य परिवर्तन निर्देशानुसार अथवा वाक्य रूपांतरण क्या होता है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं किसी विद्यार्थी को कठिनाई हो तो मेरे इस व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।